आई बॉट अ शर्ट एट 10% डिस्काउंट एंड सोल्ड इट टू अ फ्रेंड एट अ लॉस ऑफ 10%। इफ द फ्रेंड पे मी 729 रुपीज़ फॉर द शर्ट, वॉट इज़ दी अनडिस्काउंट प्राइज फॉर द शर्ट। अभी ये कह रहा है कि मैंने कोई शर्ट बाई की जिसको मैंने 10% डिस्काउंट पे बाई किया था, एंड 10% डिस्काउंट पे बाई करने के बाद में मैंने इसको 10% लॉस पे अपने फ्रेंड को सेल कर दिया, और सेल करने के बाद में उसने जो मेरे को अमाउंट दिया है वो 729 रुपीज़ है। तो जो इसकी अनडिस्काउंट प्राइस था वो क्या था? अब बेसिकली जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो अनडिस्काउंट प्राइस आप एक्स सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कि आपको जो शर्ट थी वो एक्स रुपीज़ की थी अनडिस्काउंट, इस पे उसको कितना डिस्काउंट मिला? 10% का डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट मीनिंग जो उसने पे रुपीज़ किए हैं वो 90/100 पे कर दिए। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हो आप? मान लो कोई शर्ट है वो 100 रुपीज़ की है, तो 10% डिस्काउंट का मीनिंग क्या होगा? दैट इज़ वैल्यू, ठीक है, तो ये कितने आ गए? 10 रुपीज़। इम्प्लाई दैट उसने पे कितने किए हैं? 990, ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि जितना उसने पे किया है वैल्यू। ओके, तो यहाँ से ये है उसने जो बाई की है शर्ट वो प्राइस, बट अगेन उसने क्या किया है? 10% का लॉस लिया। 10% का लॉस इम्प्लाई दैट अगेन 90/100, क्लियर है, इज इक्वल्स टू ये वैल्यू किसकी है? जो ये वैल्यू आ गई वो कितनी है? 729 रुपीज़। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से ये कैंसल, 9 × 9 = 81, 81 से कैंसिल करोगे तो यहाँ से 9 और ये 100 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 900। अब आप इस पर चेक भी कर सकते हो, 10% का डिस्काउंट कितना होगा इसका? 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ डिस्काउंट मिलते ही जो इसके बाई की थी शर्ट वो 810 रुपीज़ में बाई की थी, एंड अगेन इसका 10% डिस्काउंट कितना होगा? 81। 81 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 729। ओके, तो जो आंसर आ जाएगा वो 900 हो जाएगा, ऑप्शन ए 3 हो जाएगा। ओके,